दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने की पुरजोर कोशिश जारी है। लक्ष्मीनगर विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार के लिए आए पार्टी नेता राशिद अल्वी ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी को केजरीवाल नहीं हरा सकते थे, ये कांग्रेस ही कर सकती है। पूर्वी दिल्ली के लक्ष्मीनगर में कांग्रेस उम्मीदवार ने आरोप लगाया कि डॉक्टर वालिया के बाद इलाके के हालात बदतर हो गए हैं। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने लक्ष्मीनगर के किशन कुंज में कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार हरिदत्त शर्मा के लिए चुनाव प्रचार किया। अल्वी ने कहा कि दिल्ली के चुनाव पर देश की नजर है, बीजेपी नेता जहर उगल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के पहले भी कई मुद्दे उछाले गए थे और अब दिल्ली में शाहीन बाग को मुद्दा बनाकर माहौल बिगाड़ा जा रहा है। अल्वी ने दिल्ली की केजरीवाल सरकार को भी निशाना बनाया और आरोप लगाया कि अरविंद केजरीवाल भी शाहीन बाग इसलिए नहीं गए क्योंकि उन्हें दूसरे कौम के नाराज होने का डर सता रहा था। देश को टुकड़े करने वाली राजनीति है। कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हिंदू मुसलमान को साथ लेकर चलते हैं। आप सबकी जिम्मेदारी है। मैं कुछ लोगों में देखता हूं कि केजरीवाल के लिए सॉफ्ट कॉर्नर, चूंकि उन्हें थोड़ा सा पानी थोड़ा सा बिजली मिल रहा, ये तो हम भी आपको देंगे, इससे ज्यादा देंगे। लेकिन आने वाले कल में अगर भारतीय जनता पार्टी दोबारा आ जाती है, आप उसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। उनकी खतरनाक योजनाओं का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। उनके पास वो तमाम नेता हैं जो हिंदुस्तान को बर्बाद कर देना चाहते हैं। आज लड़ाई कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के अंदर। अगर आपको लगता है कि केजरीवाल नरेंद्र मोदी को बदल सकता है, आप वोट दे दीजिए, कोई हरज की बात नहीं। इस विधानसभा क्षेत्र से लंबे समय तक पूर्व मंत्री डॉक्टर अशोक वालिया विधायक रहे। मौजूदा कांग्रेस उम्मीदवार हरिदत्त शर्मा ने आरोप लगाया कि डॉक्टर वालिया के हटने के बाद इलाके में हालात बदतर हो गए हैं। गलियों के अंदर सीवर लाइन खराब है, सड़कें टूटी हुई हैं, पानी की पीने के पानी की प्रॉब्लम है जो कि गंदा पानी आ रहा है। और यहाँ जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जैसे यहाँ पार्क हैं, बहुत बुरी स्थिति है यहाँ के पार्कों की। वो हर तरफ गंदगी और गंदगी के ढेर यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। कोई भी यहाँ पर लाइब्रेरी की सुविधा नहीं है और बारातघर एमसीडी ने जो बनाए थे, एक बारातघर है उसकी भी बहुत दुर्दशा है, कोई मेंटेनेंस नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ कोई भी क्लिनिक है, एक है सरकारी, लेकिन उसकी भी हालात बहुत ख़राब है। जो दिल्ली की तस्वीर सूरत हमने बनाई थी, इन लोगों ने सारी की सारी बिगाड़ दी। पार्टी नेताओं ने मौके पर लोगों को समझाने की कोशिश भी की और केंद्र के स्तर पर कांग्रेस ही बीजेपी को टक्कर दे सकती है। मौके पर कव्वाली के माध्यम से उम्मीदवार ने अपने लिए दुआ मांगी। टोटल न्यूज के लिए विश्वजीत झा की रिपोर्ट।